एमसी स्टैन के कॉन्सर्ट से भी नदारद रहे हैं फहमान खान। आखिर क्या वजह सामने आ रही है? फहमान खान क्यों नहीं पहुंचे स्टैन के कॉन्सर्ट में? यहाँ भी सुम्बुल अकेली पहुंची, और जब मीडिया ने फहमान के बारे में सुम्बुल से सवाल किया तो सुम्बुल क्या कुछ कहती हुई नजर आई, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे यहाँ टीवी धमाका की इस खास रिपोर्ट में। वेल, बहुत स्वागत है आपका टीवी धमाका पर। सुम्बुल तौकीर खान एमसी स्टैन के कॉन्सर्ट पर पहुंची अकेले, और इसके बाद एक बार फिर से फहमान के ना आने को लेकर उठने लगे सवाल। जी हाँ, कुछ वक्त पहले सुम्बुल ने हाउस वार्मिंग पार्टी दी थी जिसमें भी फहमान खान नजर नहीं आए थे, और इसके बाद से ही इस तरह के सवाल उठने लगे थे कि क्या सुम्बुल और फहमान के बीच सब कुछ नहीं है ठीक, और इसीलिए फहमान रहे हैं सुम्बुल की हाउस वार्मिंग पार्टी से गायब। और अब इन खबरों को और तूल मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि एमसी स्टैन का जो कॉन्सर्ट हुआ उसमें भी फहमान खान नज़र नहीं आए। जी हाँ, स्टैन का कॉन्सर्ट हुआ मुंबई में, जीतने के बाद उन्होंने पहली बार कॉन्सर्ट किया। बहुत सारी हस्तियाँ इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बनी, मंडली के सदस्य भी नज़र आए, और मंडली के सदस्य होने के नाते सुम्बुल भी यहाँ पर दिखाई दी, लेकिन फहमान नहीं नज़र आए। जी हाँ, फहमान खान इस कॉन्सर्ट में नज़र नहीं आए, और जब सुम्बुल से इस बारे में सवाल पूछा गया, मीडिया थी यहाँ पर, मीडिया से जब सुम्बुल इंटरेक्ट कर रही थी और मीडिया ने इस बारे में सुम्बुल से पूछा कि आखिर फहमान क्यों नहीं नज़र आए हैं, क्या आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, तो सुम्बुल जो है वो मीडिया के इन सवालों का जवाब देने से बचती हुई नज़र आई। यानी कि एक तरह से सुम्बुल इन सवालों को टालती हुई नज़र आई, और सुम्बुल जिस तरह से सवाल को टाल रही थी इन बातों से और भी ज़्यादा इस बात की तरफ इशारा फैंस को और मीडिया को मिलने लगा कि क्या वास्तव में सुम्बुल और फहमान के बीच कुछ लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, क्योंकि पहले फहमान के ना आने को इस तरह से दिखा दिया गया था कि फहमान नहीं आए क्योंकि वो अपनी शूट में बिजी थे, पर क्या दोनों ही बार ऐसा था कि फहमान नहीं आ सकते थे? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो फैंस के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि फैंस तो जाहिर सी बात है इन दोनों को साथ ही देखना चाहते हैं, इन दोनों को बहुत सारा प्यार भी फैंस देते आए हैं हमेशा से। जी हाँ, फहमान के कॉन्सर्ट में ना पहुंचने पर कई सारे सवाल उठ गए हैं फैंस के मन में। अब बाकी फैंस चाहते तो यही है कि सुम्बुल और फहमान साथ ही रहें, क्योंकि इन्होंने भले ही अपने रिश्ते को कभी ऑफिशियल ना किया हो, पर इन दोनों का रिश्ता फैंस को बहुत खास लगता है, चाहे अब वो दोस्ती है या दोस्ती से कुछ ज़्यादा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपने कॉमेंट्स के जरिए बताएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।